अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की, एपिसोड 41। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता वगैरह सब जो है इंतज़ाम किया जाता है। तो वो जो औरत है वो भी बैठ के जो है रूही से कुछ बातें कर रहे थे। रूही से क्या बातें कर रहे थे ये कोई भी वहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे थे। पूजा बस घूर घूर के रूही को एक बात देखती है और उस औरत को एक बात देखती है। और इधर मिश्का मिश्का तो स्माइल कर रही थी। आहाना भी वो एकदम से बोलती है, आप हर बात पे क्यों स्माइल कर रही हो? अरे दिमाग की दही हो रही है। आप एक काम करिए ना, आप बता तो दीजिए हो क्या रहा है। और ये किस्मत बदलने वाली क्या बात है बताइए, हाँ क्या हुआ? तभी मिश्का बोलती, अरे काहे थक रहे हो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, वक्त के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगी। तभी आहना बोलती कि मुझमें उतनी पेशेंस नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा इंतज़ार करूँ। आप बोलिए तो सही एक कि क्या है। तभी जो है मिश्का बोलती, अरे बाबा आहना थोड़ा सा वक्त लो, इंतज़ार करो, अगर एकदम से मैं बता दूँगी तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगी। तभी आहना बोलती कि अब इसमें क्या मज़े वाली बात हुई, ज़रा ये बताइए आप। तो मिश्का हंसती है। तभी पूछा बोलती कि तुम आप दोनों ये कि क्या बातें कर रहे हो? वैसे भी मेरी दिमाग ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये मैम इनको जानती है क्या, मतलब पहले से जानती है? तभी मिश्का जो है रूही पूजा की तरफ देखते हैं, बोलती कि देखो रूही की बात है, मैं इतना नहीं जानती, ये सारी बातें तुम्हें रूही से पूछनी चाहिए ना कि मुझसे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी पूजा बोलती कि मेरी दिमाग काम नहीं कर रही इस मामले में, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक तो वो यहाँ पे आती है और ये जो है ये मेरी बहन की प्रिंसिपल है, यहाँ पे आते हैं। चलो मान लिया इनकी जो है उनकी मॉम के साथ इनकी दोस्ती थी शायद, इसलिए पहचान वाली बात होगी। लेकिन ये गुरु गुरु को कैसे पहचानती है, ये सोचने वाली बात है ना। और किस विषय में बात कर रहे हैं, दो दिन पहले मिली थी। तभी मिश्का बोलती कि देखो भाई मुझसे मत पूछो यार, मैं इस बारे में कुछ नहीं पता मुझे, तुम अपनी मैडम से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो। तभी एकदम से जो वो औरत है, एक्चुअली ना उनकी नाम है मिस गीतांजलि, वो एकदम से जो है पूजा की तरफ देखते हैं और बोलती कि हाँ पूजा बेटा बोलो, तो वैसे तुम डांस वगैरह करते हो? पूजा उनकी तरफ देख के बोलती कि मैम वो डांस वगैरह नहीं, मुझे शौक़ है, हाँ थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, वो मैंने टीवी से या फिर मोबाइल से देख के सीख लिया थोड़ी बहुत, मुझे बचपन से डांस का शौक है। और मैं कोलकाता से मुंबई इसीलिए आई हूँ कि मैं आपकी एकेडमी में, मतलब तभी एकदम से गीतांजलि जी उसको एकदम से रोक देते और बोलती कि मैं समझ गई बेटा, इतनी भी डिटेल बोलनी नहीं चाहिए, देखो अगर शौक़ है तो शौक़ को पूरा भी करना चाहिए, अगर डांस का पैशन है तुम्हारे अंदर तो उस चीज़ पे काम करो, अभी अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, अपने पैशन को पूरा करो। तभी पूजा बोलती कि मौका ही नहीं मिला तो क्या पूरा करेंगे। तभी ना वो एकदम से उठती है गीतांजलि जी, वो उठती है पूजा के सामने आती है और बोलती कि चलो अगर तुम्हें एक मौका अगर मैं दूँ तो क्या तुम कर पाओगे। जैसे ही ये बोलती है तो पूजा तो एकदम खड़ी हो जाती है और घूर के देखते बोलती कि मैं समझी नहीं। तभी वो बोलती कि देखो मैं तुम्हें सामने से बोल रही हूँ, अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए डांस पेशन को अपने करने में पूरा करने में तो क्या तुम मतलब करोगी, अपने पैशन को पूरा करोगी? तभी पूजा बोलती कि ज़रूर करूँगी। तभी वो बोलती कि पक्का, पीछे तो नहीं हटोगी ना?
तभी पूजा बोलती कि नहीं, पीछे पीछे हटने की कोई बात नहीं, आप मेरी गुरु हो, मैं हमेशा से आपकी राह पे चलने की कोशिश की है, मैं आपको फॉलो करती हूँ हर एक सिचुएशन में। मैंने तभी एकदम से जो गीतांजलि है वो एकदम से पूजा की शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती कि बस इतनी भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी काबिलियत को देखनी चाहती हूँ। तुमने कहा कि नहीं तुम्हें थोड़ी बहुत डांस आती है, तो क्या मैं वो थोड़ी बहुत डांस का झलक देख सकती हूँ? पूजा जैसे ही सुनती हो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बोलती कि थोड़ी बहुत डांस? तभी बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत, जितना भी तुम्हें आता है, बस तुम्हारी अंदाज को देखना चाहती हूँ मैं। तभी पूजा चुप हो जाती है। इधर मिश्का आहाना रूही तो बस एक टक पूजा की तरफ देख रही थी। इधर गीतांजलि जी बोलती है कि अरे बोलो, कर सकोगी अभी इसी वक्त सबके सामने? पूजा सबके तरफ एक बार देखती है, जैसे ही उसकी नज़र रूही की तरफ पड़ती है, रूही अपने आँखों से इशारा कर देती है कि डू इट। जैसे ही वो रूही की आँखें का इशारा समझ लेती है, वो एकदम से वो थोड़ी सी नर्वस होती है। पहली बात तो ये थी कि इसके गुरु उसके सामने थी, और दूसरी बात ये है कि अचानक सबके सामने यहाँ पे डांस करना, वो थोड़ी सी जो है हेजिटेट फील कर रही थी। तभी एकदम से गीतांजलि जी बोलते हैं कि देखो, मौका ना बार बार नहीं आते हैं, अगर तुम्हारे पास एक मौका आई है तो उसको पकड़ लो और अपनी जज्बातों को बाहर करो जो तुम्हारे अंदर अभी तुम पल रही हो, नर्वसनेस, ये कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, और अपनी जो है जो पैशन तुम्हारे अंदर है उसको एक बार बाहर तो निकालो। उसे पूरा करने के लिए एक मौका तुम्हें दिए जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाओ। हर बार मौका नहीं मिलता, तुम खास हो, शायद कोई खास है तुम्हारे लिए जो ये मौका तुम्हारे पास लाई है, उस मौके को ऐसे जाया मत कीजिए, मेरी बात सुनो। पूजा बस शांत होती है। तभी एकदम से पूजा बोलती है कि ठीक है, मैं करूँगी। जैसे ही बोलती है तो गीतांजलि जी है वो बोलती कि ठीक है चलो हॉल में। तो वो लोग एक अलग साइड में जाके बैठे थे क्योंकि नाश्ता वगैरह दिया था, तो ये लोग हॉल में आते हैं। हॉल में थोड़ा सा स्पेस होता है और वहाँ पे एक टेबल भी रखा हुआ था, तो रूही ने वो टेबल एकदम से साइड कर ली थी और जगह थोड़ी और बढ़ गई थी। अब स्पेस तो अच्छी खासी हो गई थी, तो बोलती कि चलो स्पेस तो हो गई, अब शुरू करो। जैसे ही शुरू करने बोलती है, पूजा की थोड़ी सी हाथ पैर श्योर कर रहे थे कि एकदम से अपने गुरु के सामने परफॉर्मेंस करना, मतलब वो हो जाती है नर्वसनेस के चक्कर में। तभी रूही उठती है, उसके हाथ पकड़ती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है आप? तभी पूजा बोलती कि वो मैं ठीक हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी वो नर्वसनेस हो रही है एक्चुअली गुरु के सामने, मतलब मैं इनको। तभी रूही बोलती कि रिलैक्स रिलैक्स पूजा रिलैक्स, देखो तुम्हारे अंदर जो भी कला है ना, बस उसे एक बार बाहर कर। तुम सुपर्ब डांस करती हो, आई नो दैट, मुझे पता है, तुम एक बार अपनी अंदाज में आओ तो सही, मुझे अच्छे से पता है तुम बहुत अच्छी डांस करते हो, मैं खुद देखी हूँ हर एक चीज़ को, तुम शुरू तो करो। हम सब है, हम कोई भी तुम्हें यह जज करने नहीं बैठे, ना ही तुम्हारी गुरु, वो खुद तुम्हें जज करने नहीं बैठी, वो बस तुम्हारी इस अंदाज की झलक को एक बार देखनी चाहती है, उस हिसाब से वो तुम्हें उस तरह से डांस सिखा पाएगी शायद, इसीलिए उन्होंने बोली होगी, समझो प्लीज़। और इतना घबराने की क्या बात है, हम सब है, इतनी घबराओ मत, हम सब है, तो हाँ किस बात की नर्वसनेस, हम यहाँ पे तुम्हारी एग्ज़ाम थोड़ी ले रहे हैं कि अगर तुम थोड़ी सी भी गलती की तुम्हारी पॉइंट कट होगी।
डोंट वरी ना, प्लीज़ शांत हो जाओ, रिलैक्स रहो और मत सोचो, यहाँ पे हम सब है, बस अपने अंदाज को पकड़ो और उसी अंदाज में डांस करो, ठीक है। जो पूजा है वो चुप हो जाती है और एकदम से सर हिला देती है, बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी ना गीतांजलि उठती है, वहाँ पे एक होम थिएटर होता है ना वो सॉन्ग वगैरह के लिए, तो वो एकदम से साइड में जो साउंड बॉक्स है वहाँ पे एकदम से एक सॉन्ग लगाती है। जैसे ही सॉन्ग लगाती है, पूजा उस सॉन्ग को एकदम से अपनी आंखें बंद करके वो सॉन्ग को पहले वो सुनती है थोड़ी देर। जैसे ही थोड़ी देर सुनती है, फिर से बोलती कि आप शुरू से लगाइए वो सॉन्ग। तो वो सॉन्ग ना कुछ इस तरह से थी, दिल ये बेचैन वे रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है, आजा सवारिया आ आ आ ताल से ताल मिला है, ताल से ताल मिला हो, दिल ये बेचैन वे रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है, आजा सवारिया आ आ आ ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। जैसे जैसे ये सॉन्ग एक एक लाइन हो रही थी ना, पूजा जिस अंदाज में अपनी डांस वो करती है, वो डांस शुरू कर दी थी, वो हर एक स्टेप पकड़ती है, सॉन्ग के बीट पकड़ती है और इतनी अच्छी से वो स्टेप कर रही थी कि वहाँ पे खड़ी रही आहाना मिश्का, ये दोनों शौक हो जाते हैं। आहाना ने कभी पूजा को इस तरह से इस अंदाज में डांस करते हुए नहीं देखी थी, लेकिन रूही वो तो एक टक वो एक साइड में खड़ी हो के सिर्फ और सिर्फ जो है पूजा को देख रही थी और अपनी फ़ोन में वो पूजा की इस डांस की वीडियो कर रही थी। और इधर मिस गीतांजलि वो एक साइड पे खड़ी हो के वो हर एक बीट पे वो क्लैप कर रही थी ताकि पूजा को बीट पकड़ने में जो है आसानी हो। वो बीट पकड़ती और बीट के साथ साथ अपनी स्टेप वगैरह कर रही थी। ऐसा डांस जिसे देख के सब लोग एकदम से जो है, मतलब वो होते हैं ना मनमोहक, जैसी एक बात आ जाती है उसकी डांस कुछ इस तरह से थी। जैसे जैसे वो सॉन्ग ख़त्म होते जा रही थी, उसकी डांस भी धीरे धीरे जो है अब जो है एंडिंग पॉइंट में आ जाती है और वो एकदम से एक स्टेप के साथ वो डांस ख़त्म करती है। जिस तरह से वो ख़त्म करती है वो लाजवाब थी। रूही जैसे ही डांस ख़त्म होती है वो एकदम से क्लैप करने लगती है और क्लैप को वो इतनी खुशी होती है पूजा की इस डांस को करते हुए देख, वो तुरंत जो है क्लैप करते हुए आती एकदम से, क्योंकि पूजा ना वो डांस स्टेप करते करते एकदम से फ्लोर में बैठ गई थी एक स्टेप के साथ। तो वो एकदम से आती है, पूजा को अपनी शोल्डर्स से पकड़ते और उसको एकदम से खड़ी करके उसे हक कर लेती और बोलती कि ओ माय गॉड, ये ना बहुत अच्छी थी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतनी खुशी देख के पूजा रूही को एक बार सिर्फ रूही की तरफ देखती है, तो देखती है रूही की फेस में जो खुशी थी ना, ये खुशी अलग ही थी। आज तक ये खुशी रूही की फेस में कभी नहीं देखी थी पूजा ने। जब उसने उसको पहली बार आई लव यू बोली थी, मतलब बोली थी अपनी हाल दिल बयां की थी उसके सामने, तब भी ये खुशी उसके सामने नहीं थी जो आज रूही खुशी है। उसकी फेस पे वो जो खुशी का झलक आई है वो इतनी नायाब थी, इतनी रेयर थी, जिसे थी कि पूजा एकदम से बोलती कि क्या हुआ इतनी खुशी। तभी रूही उससे और कस के गला लगा लेती है और बोलती कि बहुत खुशी हूँ मैं ना आपको ना ये खुशी का मैं ना तो समझा सकती हूँ और ना ही बयां कर सकती हूँ और ना ही मेरे पास अल्फाज हैं। आप ना बहुत अच्छी हो, पता है आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर माई गर्लफ्रेंड। थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है वो, वहाँ पे कोई नहीं सुनता, सब लोग थोड़ी सी पीछे थे। तभी पूजा बोलती है कि क्या क्या आहिस्ता बोलो, ये यहाँ पे सब है।
तभी रूही बोलती है कि ये खुशी ना मुझसे रहा नहीं जा रही है, पता नहीं मैं इतनी खुश हूँ। तभी मुझे बोलती कि ओके ओके शांति शांत शांत हो जाइए, मैं इतनी खुश नहीं हूँ जितनी आप हो। तभी रूही बोलती यार तू नहीं समझोगी, तुमने इतनी बढ़िया डांस किया, मैं क्या बोलूँ। तभी वहाँ से गीतांजलि उठ के आती है, वो आके एकदम से जो है पूजा के सर पे हाथ रखते और बोलती कि वाह तुमने तो कहा तुम्हें डांस नहीं आती, पर एक एक बीट एक एक स्टेप तुमने जो लिया है बीट पकड़ के काबिलाना है, अच्छी है, बेहद अच्छी है। अगर हम एक प्रोफेशनल डांसर से ये स्टेप वगैरह कराए ना तो वो कम से कम और बिना रिहर्सल के, ये शॉकिंग वाली बात है। आर यू श्योर पूजा तुम्हें तुमने कभी डांस नहीं सीखा। तभी पूजा बोलती नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरे एक फ्रेंड थे वो आपके एकेडमी में वो सीखते थे डांस, तो उसके पास ना बहुत सारे वीडियोस थे, तो वो कभी कभार जब आते थे वो डांस स्टेप देखता था, वो एक लड़का था, और वो जब डांस स्टेप देखता था ना तो कभी कभार मेरी नज़र पड़ जाती थी, तो मैंने मांग के वो इस वीडियो देख ली थी कई बार, और उस स्टेप वगैरह जो है वो कुछ कुछ वहाँ से सीख ली थी मैंने। तभी जो है गीतांजलि थोड़ी सी शौक होती कि बस देखने से इतनी अच्छी से परफेक्ट हुए मैं कैसे कर सकती है। मतलब हम जब प्रोफेशनल डांसर्स को वो स्टेप वगैरह सिखाते हैं तब भी उनको परफेक्ट तरीके से करने में बहुत दिक्कत होती है, कई बार दो बार तीन बार चार बार रिहर्सल के बाद वो लोग प्रॉपर तरीके से कर पाती है, और ये बिना रिहर्सल के एकदम से इतनी परफेक्ट कर रही है, मतलब कुछ तो बात होगी। वो बहुत इम्प्रेस होती है पूजा से, और वो ना एकदम से वहाँ से जाती है साइड से, और वो उनके कमरे में जाती है, उनके कमरे में जाके एक जो है एक पर्स से कुछ पैसे लाती है और एकदम से पूजा के हाथ में देती है और बोलती कि लो ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी इस डांस परफॉर्मेंस को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, और मैं खुद चाहूँगी कि तुम मेरे एकेडमी में आओ। जैसी ही पूजा ये सुनती है वो तुरंत देखती है जो है उनकी तरफ और बोलती कि मैम आर यू श्योर। तभी जो है मिस गीतांजलि बोलती कि आई एम डेफिनेटली श्योर बेटा, ये मेरी जो है खुशनसीबी होगी कि मैं तुम्हारी जैसी स्टूडेंट को अपने एकेडमी में देख पाऊँ। मिस रूही ने जितना बताई है मुझे तुम्हारी बारे में, तुम उससे कहीं आगे हो, तुम्हारी ये जो डांस का पैशन है ना वो बहुत ख़ास है, इसको पकड़ के रखो, इस लेज़र को हमेशा से यूज़ करो जहाँ यूज़ करनी चाहिए वहाँ पे बहुत आगे जाओगी बेटा, और जिस राह पे तुम चलोगी ना उस राह पे जो इंसान तुम्हारी पीछे खड़ी है ना आई एम डैम श्योर वो तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी इस डांस की दुनिया में। और मैं अब तुम्हें लेके कोई रिस्क नहीं लूँगी, कोई और आके तुम्हें बुक करे इससे पहले ही मैं तुम्हें अपनी एकेडमी में शामिल करना चाहती हूँ। इट विल बी माई प्लेजर कि मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट के नाते अपनी एकेडमी में ज्वाइन कराऊं। तो क्या मिस पूजा बनर्जी आप हमारी एकेडमी में शामिल होना चाहोगे? तो पूजा एकदम से खुशी हो जाती है, बोलती कि जी ज़रूर, मेरी खुशनसीब की बात होगी ये। तभी वो बोलती कि खुशनसीब तो तुम हो, एक इंसान है तुम्हारे पीछे, उस इंसान की हाथ हमेशा संभाल के रखना। तुम्हें देख के ना मुझे किसी की याद आती है, कई साल पहले तुम्हारी जैसी ही किसी से टकरा गई थी मैं, वो भी तुम्हारी तरह डांस नहीं कर सकती थी, मतलब नहीं सीखी थी, पर तुम्हारी तरह ही बेहद अच्छे से डांस करती थी वो, उसका हर एक मूव्स और उसका हर एक बीट पकड़ने का तरीका सबसे अलग दर्शाती है उसको, जो नायाब है, और इतने साल बाद आज वही चीज़ मैं तुम्हारे अंदर देख रही हूँ। आज वो इंसान मेरे साथ नहीं है, पर तुम्हें देख के उस इंसान की झलक मेरे एकदम से सामने आ गई, तो तुम खास हो बहुत मेरे लिए।
जैसे ही ये बोलती है पूजा इतनी खुश होती है। भाई एक तो उसकी गुरु है जिसको वो करीब बचपन से नहीं लेकिन जब से वो डांस का मतलब समझी है, इनको देख के ही वो चीज़ वो समझी है। एक तो वो गुरु उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है और ऊपर से उसको एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए भी बोल रही, तो वो खुशी ना वो बहुत खुश होती है। वो एकदम से जो है गीतांजलि को एकदम से हक कर लेती है। तो वो जो मिस गीतांजलि है वो भी उसे हक करती है, बोलती है कि बेटा अपनी जज्बात को और कायम करो और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाओ, आगे चल के ये बहुत काम आएगी, खास हो दुनिया जीतनी है। जैसे ही ये बोलती है तो पूजा अपनी सर हिला देती है। पूजा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये डांस उसकी पैशन थी और उसके पापा उसके डांस के लिए ही शायद वो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुई थी, लेकिन किस्मत का था कुछ और ही दस्तूर थी। पूजा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। रूही रूही जिस साइड पे खड़ी थी पूजा की फेस उसी साइड पे थी, तो जैसे ही देखती है पूजा की आँख से एक आंसू गिर रही थी तो तुरंत जाती है पीछे से उसकी आंसू को वो एकदम से अपनी मुट्ठी में ले लेती है और बोलती है देखिए। जैसे ही रूही उस साइड पर आती है मिस गीतांजलि उसको छोड़ देती है और पीछे की तरफ देखती है, तो देखती है रूही खड़ी है, तो थोड़ी सी वो साइड हो जाती है। इधर रूही उस सासू को अपनी मुट्ठी में करके वो पूजा के सामने जाती है और बोलती है देखिए ये आंसू ना बहुत कीमती है, खासकर मेरे लिए, तो ये आंसू ऐसे ज़ाया मत कीजिए आप, ये आंसू नहीं मोती है, तो इन्हें अपनी आंखों में ही संभाल के रखिए, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए इन मोतियों को बहाया मत कीजिए आप, समझ आई आपको? अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो दुनिया जीतनी है आपको, और उस मोड़ पे उस राह पे मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ रहूँगी, चाहे चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सिचुएशन मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही आपको छोड़ने दूंगी। अब ये रोना बंद कीजिए। तो वो उसको थोड़ी सी समझाती है। पूजा तो एकदम से रूही को हक कर लेती है। थोड़ी देर शांत होने के बाद जो है एकदम से पूजा और रूही ये दोनों थोड़े से पीछे होते हैं, ये लोग आके जो है अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो जो मिस गीतांजलि है वो रूही से एकदम से कुछ बातें करने लगती है, तभी रूही बोलती है थोड़ी साइड होके बात करें। तभी मिस गीतांजलि भी बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर। तो वो लोग उठते हैं, एक साइड में चले जाते हैं, एक साइड में वो कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। पूजा बड़ी गौर से रूही की तरफ देखती है। तभी पूजा एकदम से मिश्का को बोलती है कि मिश्का, मिश्का बोलती है हाँ पूजा बोलो, बोलती कि क्या इन सब के पीछे इनके हाथ है? मिश्का तुरंत पूजा की तरफ घूर के देखता, बोलती कि देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम अपने उनसे पूछो ना यार, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तभी पूजा बोलती कि झूठ तो मत बोलिए आप, देखिए सच सच बताइए क्या इनको पता है मेरे बारे में, मतलब सॉरी मेरे बारे में कैसे पता है? ये डांस में मुझे डांस का शौक है। तभी आना बोलती कि वो एक्चुअली ना एक बार मैम ने मुझे बुलाई थी अपने कैबिन में और तेरे बारे में हर एक बात पूछी कि तू 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 तेरी शौक क्या है, तू क्या करना चाहती थी। वो मैंने तो सारी सच बोल दी थी, मुझे क्या पता था वो ये सब करेगी। जैसे ये बोलती है पूजा आना को देखती है एक बार और बड़े प्यार से वो रूही की तरफ एक बार देखती है और मन ही मन बोलती है क्या है ये, आखिर ये क्या करनी चाहती है, क्या क्या इसलिए उन्होंने मुझसे वादा ली थी कि मेरे हित में वो जो भी करेंगी मैं उनका साथ दूं, क्या यही वो वादा है? वो बस एक टक रूही को देख रही थी। रूही थोड़ी देर बात करके वो साइड में आती है तो देखती है पूजा उसे घूर के देख रही है, तो बोलती कि क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है? सब कुछ ठीक है, मैं तो मेकअप नहीं करती, सिर्फ लिप बाम यूज़ करती हूँ, क्या हुआ कि कुछ? तभी एकदम से पूजा बोलती है इतना भी नहीं बोलनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ, मुझे बात करनी है आपसे। तभी रूही बोलती कि ठीक है पर अभी इसी वक्त,
तो बोलती कि नहीं, पहले यहाँ से जाए फिर बात करेंगे। तो बोलती कि ठीक है। तो ये लोग बैठ के थोड़ी बहुत और बात करते हैं, वो जो रूही की मॉम की फ्रेंड है उनसे भी थोड़ी बहुत बात करते, बात करके करीब 1.5-2 घंटे हो जाते। तो एकदम से रूही बोलती कि एक्चुअली हमें लेट हो रही है, हम आज उठते हैं, दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तभी जो है बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले जो गीतांजलि है वो पूजा को उसकी नंबर जो है वो लेती है, फिर जो है उसको बाय वगैरह बोल के उसे हक करती है। पूजा भी उनके पैर छूती है और ये लोग प्रॉपर तरीके से एक गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। निकल के जो है ये लोग कार में जाके बैठते हैं। कार जो है रूही चला रही थी, लेकिन रूही को पर एक गौर से जो है एक टक पूजा बस देख रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ चुके थे, अब वो सारे सवाल उससे पूछना चाहती। रूही जो है वो गाड़ी जो है वो चला रही थी। तभी पूजा एकदम से बोलती कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। तभी रूही एक बार उसकी तरफ़ देखती और बोलती कि देखिए मैं ड्राइव कर रही हूँ, अगर आप कुछ सीरियस बातें करनी है तो बाद में करें। पूजा कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद ये लोग आहना की घर के बाहर पहुँचती है। जैसे ही पहुँचती है तो आहना निकलती है। इधर रूही निकल के जो है पूजा की साइड की डोर ओपन करती है, उसको वो उतरती है और उतर के रूही बोलती है देखिए बात रात में करें, अब आप घर जाइए, फ्रेश वगैरह हुई है, खाना खाइए, रेस्ट की ज़रूरत है, और आज इतनी दिन बाद अगर डांस की हो तो वो थोड़ी सी थकान भी हो गई होगी आपको, तो रेस्ट करनी ज़रूरी है ना, रात में बात करेंगे, डोंट वरी। ये बोलती है तो रूही एकदम से जो है वो जाने लगती है। तभी पूजा एकदम से रूही के हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या। तभी रूही बोलती है क्या क्या हुआ। तभी पूजा ना एकदम से रूही को हक करती है, जिसे देख रूही को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये चीज़ तो वो करती है। और रूही क्या होती है कि वो बस पूजा को कोई सवाल की जवाब नहीं देनी चाहती थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी चली जा रही की कोशिश कर रही थी। लेकिन पूजा जिस तरह से उसे हक करती है रूही को बहुत अच्छी लगती है। तभी एकदम से मिश्का जो है वो कारी के शीशा जो है डाउन करके, क्योंकि वो फ्रंट सीट पे आ चुकी थी ड्राइविंग सीट के पास ही, वो एकदम से बोलती है ओह लवर्स, अरे यार जगह देख के करो, अगर ज़्यादा हो रही है तो अंदर चले जाओ ना यार। कोई बात नहीं रूही, मैं गाड़ी लेके चली जाती हूँ। तभी रूही थोड़ी सी छोड़ती है पूजा को और घूर के देखती है आना को और बोलती है क्या, सॉरी मिश्का को, और बोलती कि क्या है, थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती क्या। तभी जो है वो बोलती कि देख इंतज़ार तो कर सकती हूँ, लेकिन ये जगह देख के करो ना, ये रोड है, देखो आसपास के लोग हैं, क्या क्या सोचेंगे यार। तभी ना पूजा एकदम से हंसती और बोलती कि आई एम सॉरी, मैंने वो एकदम से हक किया, कोई बात नहीं आप जा सकते हो। तभी बोलती कि पक्का आप ठीक हो, तो पूजा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, जाइए। ये बोल के वो जो है अंदर चली जाती है घर के। इधर रूही जाती है वो कार में बैठती है और वहाँ जो है मिश्का को बोलती कि क्या है यार। तभी मिश्का बोलती कि अबे यार क्या है का क्या मतलब, मतलब इतनी टाइटली हग किए हुए थे दोनों यार, रोड पे खड़े हैं, वो पड़ोस देख वो कैसे घूर रहा है, अरे जगह देख के करो यार, रूम में जाके कस के लिपट जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तभी रूही बोलती कि मुझे शट अप योर माउथ यार। तभी वो बोलती कि चल अब गाड़ी चला। तो ये लोग जो है वो जाते हैं अपने फ्लैट। इधर आहाना और पूजा जैसे ही घर पहुँचती है, आहाना तो इतनी खुश थी, उसकी खुशी की तो कोई ठिकाना नहीं रहती। वो जाके वहाँ पे उदक उदक के अपनी मॉम को बोलती है कि मम्मी जल्दी से आ जाओ आपको बहुत। तभी पूजा बोलती है अरे तू उछल काई को रही है, अरे आराम से लग जाएगी। तभी वो बोलती अबे मैं इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही हूँ, मम्मी कहाँ हो यार। तभी भागते हुए आहना की मॉम एकदम से आती है और बोलती कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी वो देखती है आहना जो है उछल रही है, तो बोलती अरे तुम उछल क्यों रही हो, क्या हुआ क्या है। वो पूजा की तरफ देखते हैं, बोलती कि पूजा बेटा हुआ क्या है। तभी आहना अपनी मॉम को कस के गले लगाती है और बोलती है मम्मा पता है आज ना पूजा की सपना पूरी हुई है, अरे आपको पता है ना मैंने आपको बोला है उसका डांस का शौक है। तभी वो बोलती कि तुम इतनी जल्दी जल्दी मत बताओ, रुको पहले तुम छोड़ो, एक तो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी कस के गले कौन लगाती है, छोड़ो मुझे।
तो उसको छुड़ाती है और साइड में बैठाती है, पहले थोड़ी सी पानी लाती है और उसको देते है, बोलती कि पहले ना ये पानी पियो और आराम से बात करो, समझ रही हूँ कि तुम बहुत खुश हो लेकिन वो चीज़ आहिस्ता से बताओ। तभी वो पानी पीती है आना, और एकदम से बोलती है कि मम्मी आपको वो नृत्य कलाकार की वो एकेडमी का वो याद है? तभी आना की मॉम बोलती कि हाँ याद है, क्यों क्या हुआ? उनके तो बहुत बड़ा एकेडमी है ना जो यहाँ पे मशहूर है। तो बोलती कि हाँ हाँ मम्मी, वो जो नृत्य का वो गुरु है ना, वो क्या क्या नाम है, अरे नाम पता नहीं, याद नहीं आ रही। तभी आना की आना एकदम से बोलती कि गीतांजलि देवी। तभी वो बोलती है हाँ हाँ मम्मी वही है वही है, आज ना हम उनके घर गए थे। तभी आहाना की मम शौक होते बोलती उनके घर गए थे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी आहाना हर एक बात बोलती है, जैसे जैसे बोलती है आहाना की मम भी बहुत शौक होती है। वो पूजा की तरफ देखती है, एक बार आहाना की तरफ देखती है, तो लास्ट में जैसे ही सुनती है ना कि पूजा को मौका मिला है उनके जो है एकेडमी में ज्वाइन होने की, तो वो भी बहुत खुश है। तो वो एकदम से उठती है, पूजा के पास जाती है और बोलती है तुम्हें तो क्या बोलूँ बेटा, गर्व है तुम पे, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही अपनी चीज़ों को जो है पूरी करने की कोशिश करो, जो पैशन है वो कामयाब हो तुम्हारी, मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बोल के उसे हक कर लेती है। तो आहाना भी आती है, वो एकदम से हक करती है। पूजा ना वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो मन ही मन सोचती कि अगर मॉम को पता चलेगी तो वो इतनी खुश होगी क्या, उसके मन में वो थी। तो ऐसे ही थोड़ी देर हक करने के बाद वो पीछे होते हुए एकदम से बोलती कि ठीक है मैं कमरे में जाके फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलती है, वो पहले जाती है, वो शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो आती है, अपने फ़ोन की तरफ एक बात बस एक टक देख रही थी। उसका मन कर रही थी कि वो अपनी मॉम को एक बार कॉल करे। वो नहीं सोचती है ज़्यादा, वो एकदम से फ़ोन उठाती है और अपनी बहन के फ़ोन में वो कॉल लगाती है। उसका बहन उस वक्त जो है स्टडी कर रही थी, उसके सामने उसकी मॉम बैठी थी। तो वो कई बार देखती है कि कॉल आ रही है, तभी वो एकदम से अपनी मॉम की तरफ देखती है। तो उसकी मॉम भी ये देख लेती है कि जो है उसकी बहन के फ़ोन पे बार बार कॉल आ रही है, तो एकदम से बोलती उठाओ फ़ोन और लाउड स्पीकर पर डालो। उसकी बहन ऐसा ही करती है, वो लाउड स्पीकर के डाल पे फ़ोन एकदम से बोलती कि हाँ दीदू। तभी जो है एकदम से पूजा बोलती कि कैसी हो बच्ची, मम्मी कैसी है? तो वो थोड़ी सी वो इमोशनल थी, तो उसकी बहन बोलती कि क्या हुआ दीदू, आप ठीक हो? ये वॉइस लो की हुआ है। तभी वो बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो, मम्मी कैसी है? तभी जो है उसकी मॉम एकदम से सामने से ही बोलती कि हमारे इतनी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों कॉल किया है यहाँ पे ये बताओ। जैसी ही पूजा अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है, उसकी आंखों से अब एक ठक आंसू जो बह रहे थे वो एकदम से आंसू गिर जाते उसकी आंखों से। वो एकदम से बोलती कि मम्मा एक एक बात बतानी थी आपको। तभी वो उसकी मम्मा जो है बोलती कि हाँ क्या, अब क्या रह गई है बात करने की, और तुम बार बार परेशान करने क्यों आ जाती हो? हाँ मैंने बोला ना हमें ना तो कॉल करो ना ही हमारे बारे में कुछ भी पूछो, हम नहीं जानते तुम कौन है, बात ख़त्म, क्यों हर बार आ जाती हो अपनी मुंह उठा के? तभी जो है जो पूजा बोलती है मम्मा प्लीज़ मुझे कुछ बात कहनी है आपसे, एक बार सुन लो फिर कॉल कट कर लेना, मैं कभी दोबारा कॉल नहीं करूँगी, प्लीज़ एक बार मेरी मेरी बात सुन लो। तभी उसकी मॉम एकदम से चिल्ला के बोलती है ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जो भी बोलना है जल्दी जल्दी से बोलो और ये फ़ोन रखो तुम। तभी जो है एकदम से जो पूजा है वो बोलती कि मम्मा मेरा ना वो नृत्य कला है का एकेडमी में ज्वाइन होने वाली है, वो जिस एकेडमी में पापा चाहते थे कि मैं ज्वाइन करूँ। जैसे ही पूजा की मॉम ये सुनती हो तुरंत फ़ोन कट कर देती है। पूजा ये इसके लिए तो इंतज़ार इसके लिए तो वो रेडी नहीं थी। वो एकदम से फ़ोन की तरफ देखती है और उसकी आंखों से एक टक आंसू जो है वो निकल रहे थे।
ही बोले। थोड़ी देर वो रोती है, रोने के बाद वो एकदम से बोलती कि क्यों मम्मा, आज आज जिस तरह से वो आना की मॉम ने मुझे हक की, बोला कि उनको गर्व है मुझ में, वो चीज़ मैं आपसे सुनना चाहती थी, पर आप क्यों, मैंने क्या गलती की मम्मा, मेरी क्या कसूर थी। वो ये सोच के वो रो रही थी, तभी वहाँ पे जो है रूही की फ़ोन आती है उसके फ़ोन में। वो जैसे रूही की कॉल देखते हो, जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है, वो थोड़ा सा पानी पीती है, एकदम से फ़ोन उठाते, वो जैसी ही हेलो बोलती है, रूही को एहसास होती है कि ये शायद रोई थी या फिर अपसेट है, क्योंकि उसका गला थोड़ा बैठ गई थी। रूही एकदम से बोलती है क्या हुआ। पूजा बोलती कि नहीं कुछ नहीं, आप पहुंच गए। तभी वो बोलती कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है आप, क्या हुआ, आप रोई हो क्या, अपसेट हो, रोई हो, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि आप रोई हो। पूजा क्या हुआ। पूजा एकदम शांत हो जाती है। अब वो क्या बोलेगी। तभी रूही बोलती है बोलो बोलो तो सही पूजा, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, प्लीज़ क्यों रो रही हो, क्या किसी ने कुछ कहा है, हाँ किसी ने कुछ कहा है, कौन क्या बोला है, बोलो तो मुझसे, छोड़ूंगी नहीं, अरे बोलो तो सही। तभी पूजा बोलती कि नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा है, मैं थोड़ी सी वो एक्चुअली मैं। तभी रूही बोलती कि बोलो क्या हुआ, क्यों अपसेट हो। तभी वो बोलती कि वो मैं घर पे कॉल की थी। रूही समझ जाती है क्योंकि आहाना ने उसकी मॉम के बारे में भी बहुत कुछ बताई थी। तो रूही बोलती कि देखो मैं तुम्हारी मॉम के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती और ना ही उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ समझो। और तुम्हें अगर तुम्हारी मॉम के बारे में पता है तो क्यों इतना अफेक्ट होते हो। तभी पूजा बोलती कि हो जाती हूँ, मम्मा है मेरी, उनकी बातों से अफेक्ट नहीं होंगी तो किस चीज़ से होंगी, सिर्फ बातें ही तो रह गए हैं। तभी एकदम से रूही बोलती ठीक है बाबा मैं समझ गई, लेकिन तुम्हें अपना भी सोचनी चाहिए ना, हाँ ऐसे रोए रो कर नहीं, इस तरह से तुम रोया मत करो। मैं तुम्हें ये जो तुम्हारी देखो ये रोने के कारण जो गला बैठ गई है ना तुम्हारी छोरी सी, मैं तुम्हारी इस आवाज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा दिल दुखती है, क्यों समझ नहीं रही हो तुम ना हंसती रहो खिलखिलाती रहो, वो जो मिठास है ना हंसी की तुम्हारी वॉइस में वो बहुत अच्छी लगती है, एंड आई लव दैट। ये रोने के कारण जो जो वो थोड़ी सी आ गई है सैडनेस, ये पसंद नहीं है मुझे, ना ही तुम्हारी फेस में और ना ही तुम्हारी आवाज़ में, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ आई लव यू। तभी पूजा बोलती है आई लव यू टू एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी करने के लिए। तभी रूही बोलती है मैंने क्या किया, मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी भी पूजा बोलती है मुझे अच्छे से पता है ये सब आपने ही किया, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों। तभी रूही बोलती है देखो अब पता चल गई है तो चल गई है, इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, मैंने बोला ना कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी तो नहीं करोगी, मैंने कुछ नहीं किया, देखो वो तुम्हारी कला थी, मैंने सिर्फ इंसान को एक इंसान को तुम्हारे बारे में बताई कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है, अब मैं तो उनके सामने। तभी पूजा बोलती समझ गई मैं, आगे बोलिए। तो बोलती कि हाँ तो बोली कि है वो थोड़ी बहुत डांस कर लेती है, उसको अच्छी शौक है डांस का, अगर आप एक बार मिल लो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मिल लूँगी, मुझसे पूछा कि डांस आते है कि नहीं, मैंने बोला हाँ मैंने तो देखी है आती होंगी पर पूरा नहीं पता। तो उन्होंने बुलाया तो लेके आई, लेकिन वो जो इम्प्रेस हुई तुम्हें डांस देख के वो तुम्हारी कला थी, तुम्हारी खुद की, मेरी बोली हुई बात नहीं थी। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा कि मैंने जितना बताई थी उससे कहीं आगे हो तुम, तो वो तुम्हारी टैलेंट थी पूजा, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे टैलेंट के कारण हुआ, तुम में वो बात ही
है तभी ये सब कुछ हुआ। मुझे तुम इस मामले से दूर रखो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि ये आपकी लॉजिक, मैं अच्छे से, मुझे अच्छे से पता है मैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी। तभी रूही बोलती है चलो शुक्र है आपका, थोड़ी सी शांत हो गई आप। तो ये लोग बहुत सारे बातें करते हैं। पूजा जो है वो रूही बातें करने के बाद बोल देती है कि आप सो जाइए, हम कल ऑफिस में मिलते हैं, और कल आपका दोस्त भी ऑफिस में ज्वाइन करने वाली है। तो तभी एकदम से वो बोलती कि एक मिनट, आपने क्लब का क्या किया है वहाँ पे, किस चीज़ का कॉन्ट्रेक्शन मतलब काम वगैरह चल रहा है। तभी रूही बोलती है देखो ये वो तो वक्त आते आते तुम्हें समझ आ जाएगी, फ़िलहाल अभी इस बारे में बात नहीं करते, अभी तुम सो जाओ, कल बात करेंगे ऑफिस में मिलते। एक काम करें, मैं लेने आ जाऊँ क्या सुबह? तभी पूजा बोलती है जी नहीं, मैं हाना के साथ हमेशा जाती हूँ स्कूटी से, तो मैं स्कूटी से ही जाऊँगी। तभी वो बोलती कि अबे यार ठीक है यार, अब नहीं आते हो तो क्या कर सकते हैं, चलिए गुड नाइट फिर। तो वो गुड नाइट बोल के वो कॉल रख देती है। पूजा एकदम से हंसती है और बोलती है कि पागल है, मतलब ये रोतलू सा फेस में क्यों करती है पता नहीं, मैं देख नहीं पाती हूँ। अब सैड हो गई होगी, मुंह उतर गई इनकी, अब क्या करें। तभी वो एकदम से टेक्स्ट कर देती है कि हाँ आ जाइएगा सुबह। ये टेक्स्ट पढ़ के जो रूही की फेस पे जो स्माइल आती है ना भाई साहब क्या बोले। तो आज स्टोरी यही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, और हमें कभी कभार अपने दुआओं में याद कर लेना। और क्या, तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।